हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी नीतू और आप सब देख रहे हो रॉबी नीतू ब्लॉग। सो ब्रेकफास्ट वगैरह हम लोगों का हो गया है और मैं आपको दिखाती हूँ आज का मौसम। सो आखिरकार धूप ने, मतलब कि जो ठंड है उसने आगरा की तरफ अपना मुंह कर ही लिया। और लास्ट व्लॉग बनाया था उस दिन तो बारिश आ रही थी, लेकिन उसके बाद से है ना क्या धूप निकलने लग गई थी तो मौसम थोड़ा ठीक हो गया था, लेकिन आज फिर से धूप नहीं निकल रही है और हवा भी चल रही है बहुत ठंडी, तो ठंड हो गई आज। तो मेरी बहुत ही प्यारी सी सब्सक्राइबर हैं जो हमेशा ही मुझे सपोर्ट करती हैं, तो उनने मुझसे कहा है कि मैं जो हूँ ड्रेसिंग टेबल के ऑर्गेनाइजेशन दिखाऊँ उनको, तो मैं आज की वीडियो में वही दिखाऊंगी कि मैंने किस तरह से ड्रेसिंग टेबल को ऑर्गेनाइज किया हुआ है। एक्चुअली हम जो सामान रखते हैं वो अपनी कन्वीनियंस, मतलब कि अपनी सुविधा के अनुसार रखते हैं, कि जिस तरह से हमारा हाथ बैठा हुआ होता है उस तरह से हम अपने सामान को रखते हैं। तो मेरा हाथ जिस तरह से बैठा हुआ है उसी तरह से मैंने उसको ऑर्गेनाइज किया हुआ है, तो चलिए देखते हैं। पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि मेरी ड्रेसिंग किस तरह से दिखती है। तो मेरी ड्रेसिंग कुछ इस तरह से दिखती है। जो ये मिरर वाला पार्ट है ये भी खुल जाता है, और इधर की तरफ दो ड्रॉअर दिए हुए हैं और नीचे की तरफ तीन ड्रॉअर हैं। तो चलिए दिखाती हूँ। तो मैंने दिवाली वाले ब्लॉग में कहा था देखते हैं कि बटरफ्लाई चेंज करती हूँ नहीं, तो मैंने बटरफ्लाई जो है वो चेंज कर लिए थे। और जो डोर हैं दोनों, इसमें ऊपर वाले में मैंने अपना सामान रखा है जो मैं डेली में काम में लगाती हूँ, और नीचे वाले में मैंने हर्षित का और उसके पापा का सेपरेटली रखा हुआ है। तो ऊपर वाले डोर के अंदर ये एक बॉक्स है जिसके अंदर मैंने अपनी कुछ लिपस्टिक रखी हुई हैं जो कि मैं डेली बेसिस पे काम में नहीं लेती हूँ, मतलब जैसे मैं शादी में जा रही हूँ या किसी पार्टी में जा रही हूँ उसी टाइम पे यूज़ में लेती हूँ, क्योंकि साड़ी से मैचिंग के लगाने के लिए। और यहाँ पर कुछ स्किन केयर की चीज़ें रखी हुई हैं, और ये ऑयल है, ये ट्रीचअप का हेयर ऑयल है और ये बहुत अच्छा ऑयल है और मैं इसे काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, आप देख सकते हो। तो और ये मैंने एक चिपकाने की रखी हुई है कि कुछ भी चीज़ टूट जाए तो, और ये बहुत ज़्यादा बच्चों से दूर रखने की है तो मैंने थोड़ी ऊंचाई पे से कोने में रखी हुई है। और अगर नीचे की साइड आती हूँ मैं तो इधर मैंने अपनी नेल पेंट्स रखी हुई हैं, और जो लिपस्टिक लंबी है और इस बॉक्स के अंदर नहीं आती हैं उनको मैंने इसके अंदर रखा हुआ है, और साथ ही मैंने काजल और अपनी दो लिपस्टिक और सिंदूर वगैरह। एक सेकेंड, वंशु आ गया है। हाय हाय। इसकी आते ही यही शैतानी चालू। नहीं नहीं रहने दे भाई साहब, रहने दो। नहीं था वंशु, और वो आता है ना तो मुझे ये जो लटकन है ना इसे यहाँ पे टांगना पड़ता है, वो खींच खींच के इसको वरना तोड़ ही देगा। तो मैं इस डोर तक आ गई थी ना, तो मैं बोल रही थी कि इस, अरे ये फिर आ गया। इसके अंदर मैंने अपनी नेल पेंट्स रखी हुई है, और वो लिपस्टिक जो थोड़ी लंबाई में लंबी होती है उनको मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, और कुछ इस तरह की सारी लिपस्टिक वगैरह मैंने रखी हुई है, और ये मेरी काजल है। तो मैं बताती हूँ कि सुबह के टाइम जब स्कूल का टाइम होता है हर्षित का, तो बस मेरे को बहुत जल्दी रहती है, तो मैं कुछ भी ढूंढा ढकेरी मैं कर पाऊँ ऐसा इतना टाइम नहीं रहता, तो सब बस मैं मॉइस्चराइजर लगा दी हूँ। मेरी दोनों लिपस्टिक यहाँ पे जो मैं डेली में यूज़ में लेती हूँ वो मैंने सेपरेटली ही रखी हुई हैं, और यहाँ पर काजल है इसको लगा लेती हूँ बस। और ये इसके अंदर मेरा एक्चुअली, मैं आप ये मैं सोचेगा कि ये क्रीम है, इसके अंदर मैंने रखा हुआ है अपनी, वंशु नहीं छोड़ो, टाती हो जाएगी। तो इसके अंदर मैंने रखा हुआ है कुछ, अब मैं ये काम कर रही हूँ तो ये भी यही करेगा। तो मैंने इसके अंदर बिंदिया रखी हुई है एक्चुअली, इससे क्या होता है कि मुझे निकालते समय फैलती नहीं है क्योंकि छोटी छोटी है ना, तो ये अगर डब्बी में से निकालते फैल जाती है, तो इस तरह से मैंने रखी हुई है ताकि
ये फैलती नहीं है, निकालने में ढूंढने में भी दिक्कत नहीं होती कलर की मैचिंग की, वरना वो जो डब्बी आती है वो छोटी। तो इन टोटल मेरा इस तरह से है ऊपर का ड्रॉअर, और नीचे के ड्रॉअर में आऊँ तो ये हर्षित का कुछ सामान है, जॉनसन्स बेबी क्रीम और तेल वगैरह, और इनका सामान है, और बस इतना तो इतना ही कुछ है, ज़्यादा नहीं है, बस इन दोनों पापा बेटे का सामान है। और अगर इधर की साइड आऊँ तो इधर की साइड मेरे, थोड़ा दूर से दिखाती हूँ कि 3 ड्रॉअर हैं और ज़्यादा ब्रॉड नहीं है, बहुत ही ज़्यादा सकड़े हैं, तो किसी भी तरह के मैं जो डब्बे वगैरह होते हैं उनको यूज़ नहीं कर सकती, कोई भी सामान उसे मुझे सेपरेटली ही रखना होता है, जैसे कि परफ्यूम वगैरह मैंने रखे हुए, तो इस तरह से मैंने परफ्यूम रखे हुए हैं, डिओ वगैरह रखे हुए हैं। तो और इधर मैंने एक ट्रे सी रख रखी है 2, जिसके अंदर एक में मैंने DIY का सामान रखा हुआ है, गुलाब जल है और ये एक स्प्रे की बोतल है, इस तरह से नेल कटर वगैरह ये सब चीज़ रखी हुई है, और दूसरी ट्रे के अंदर मैंने आईलाइनर और नेल पॉलिश रिमूवर ये सब रखे हुए, ट्रे में इसलिए रखे ताकि मैं उठाऊँ और साफ़ कर सकूँ, क्योंकि वरना ये छोटे छोटे आइटम है और इन्हें उठा उठा करके साफ़ करने में फिर ऐसे थोड़ा ज़ोर सा आ जाता है कि रहने आलस आ जाता है, और इस तरह से ट्रे में होते हैं तो जल्दी से पुज जाते हैं। और इधर की साइड भी मैंने अलग सेपरेटली ऐसे अलग अलग डब्बे में रखा हुआ, जिसमें बॉबी पिन और पिंस हैं, इसके अंदर मेरा क्राफ्ट का सामान है फ्लावर वगैरह बनाने का, उसके ऊपर मैंने मंगलसूत्र चैन वगैरह रखी हुई है, उसके ऊपर मैंने साड़ी की पिन वगैरह रखी हुई है, उसके ऊपर हर्षित की जो लूडो वगैरह खेलता है उसकी उसकी वो रखी हुई है सामान, और उसके ऊपर आइसक्रीम की एक, ये एक्चुअली आइसक्रीम का वो है पॉट, जिसके अंदर मैंने रबड़ बैंड और बटन वगैरह रखे हुए हैं, तो इस तरह से मैंने सेपरेटली रखा है, रखा इसलिए है क्योंकि एक तो ब्रॉड नहीं है और दूसरा कि जो इनकी पता है क्या रहता है कि जब भी इनको कहीं जाना होता है और मुझे ले जाना होता है तो ये सडनली बोलते हैं, ऐसे पहले से बता के नहीं रखते हैं कि जाना है, और फिर मुझे जल्दी से तैयार होना होता है और 5 या 10 मिनट में तो साड़ी भी पहननी होती है और सारा सारा जो भी पिन वगैरह लगानी होती है, तो इस तरह से मैं सेपरेटली रखती हूँ। इधर की साइड मेरी नेल पेंट और फाउंडेशन था, फाउंडेशन और ये नेल पेंट थोड़े लीक हो रहे थे इसलिए, और ये जो पेंसिल बॉक्स है ये पेंसिल बॉक्स वो है जो हर्षित है ना रेयरली यूज़ करता है, यूज़ नहीं करता है क्योंकि जो न्यू होता है उसे ही वो यूज़ करता है, तो इन पेंसिल बॉक्स का भी मैंने इस तरह से यूज़ किया हुआ है कि इसके अंदर मैंने मेहंदी कॉर्न वगैरह रखे हुए हैं और जो टैटू की मेहंदी आती है वो सब चीज़ रखी हुई है, और नीचे ये किसी ने मुझसे ये भी कहा था कि मैंने कौन से टैटू वाला वीडियो बनाया था, तो ये है वो टैटू वाली मेहंदी कौन जिससे मैंने जो टैटू था वो बनाया था, और इससे बना हुआ टैटू जो होता है वो इंस्टेंटली बन जाता है और सूख जाता है और कम से कम 10-15 दिन तक रह सकता है अगर पानी में हाथ नहीं डालते हैं तो, और पानी में हाथ डालो तो कम से कम 2-3 दिन यानी एक शादी तो हम कर ही सकते हैं, इतना रहता है। और उसके नीचे भी इसी तरह से मैंने पेंसिल बॉक्स का यूज़ किया है, और नीचे मैंने उसकी जो क्रेयॉन्स हैं वो रखे हुए हैं, उसकी क्या आदत है कि वो काम में लेता है और उधर ही रख देता है और फिर रख के भूल जाता है, तो मैं क्या करती हूँ उठा करके और इसके अंदर सेपरेटली रख देती हूँ, जब भी वो मांगता है तो मुझे इजीली मिल जाते हैं और मैं उनको दे देती हूँ। इसी तरह से पेंसिल है, इरेजर है, तो वो काम में लेता है और जो न्यू होती है उन्हें काम में लेता है, ओल्ड वालियों को इसी तरह से छोड़ देता है, तो मैं ये यहाँ पर रख देती हूँ, जब उसे ज़रूरत होती है ना तब मैं उसको ईजीली दे सकूँ, जिससे कि, और जब मैं थर्ड वाली लाइन में आऊँ तो उसके अंदर मैंने कुछ स्टिचिंग के लिए रखी हुई है सुई धागा, और ये पिगी बैंक है, और ये लिपस्टिक का एक कंटेनर है, अगर आपने मेरा जो मेकअप का कलेक्शन वाला वीडियो देखा होगा तो उसके अंदर मैंने ये सारी चीज़ें दिखाई हैं पूरी अच्छे से, मेरा मेकअप का सारा कलेक्शन, तब भी मैं इस वीडियो में भी आपको बता देती हूँ, एक लिपस्टिक का कंटेनर है जिसके अंदर लिपस्टिक अगर रख दी जाए तो वो इधर से उधर टस से मस नहीं होती है और ट्रेवलिंग में ले जाने के लिए भी बहुत अच्छा है और इस तरह से रहती है, तो ये मैं रेयरली यूज़ में लेती हूँ, जैसे कभी शादी पार्टी में जा रही हूँ तो तब मैं यूज़ में ले रही होती हूँ, वरना मैं नहीं लेती हूँ इनको यूज़ में, क्योंकि मैं, आपने देखा होगा कि डेली बेसिस में मैं कितना मेकअप लगाती हूँ, कुछ भी नहीं लगाती, बस लिपस्टिक और रेड और पिंक कलर की लिपस्टिक लगाती हूँ, तो ये जो है ये साड़ी से मैचिंग करके शादी में जाओ या किसी पार्टी में जाओ तभी लगाती हूँ, तो इस तरह से मैंने इनको रखा हुआ है ताकि गंदी भी ना हो, मैसी भी ना लगे, और सामान जो है एक सार लगा हुआ अच्छा लगता है। और बच्चों वाले घर में
अगर मेडिसिन का बॉक्स ना हो तो कैसे चल सकता है? तो मैंने कुछ मेडिसिन्स भी रखी हुई है, मेडिसिन्स का बॉक्स रखा हुआ है, तो मैंने नीचे इसलिए रखा हुआ है, आप बोलेंगे ऊंचाई पे रखना चाहिए, तो मेरा जो ये डोर है ये बंद हो जाता है, ये किसी भी हालत में बच्चों से नहीं खुलता है। तो इसके अंदर मैंने आयोडेक्स है, विक्स है, दस्त की दवाइयाँ है, कॉम्बी फ्लैम है, ऐसी चीज़ें रखी हुई हैं ताकि जैसे बर्नोल वगैरह है, ये सारी चीज़ें रखी हुई है, ये दस्त की दवाई है, तो ये बहुत अच्छी दवाई है, किसी भी बच्चे को दे दो, बहुत बड़े छोटे से लेके बड़े तक ले सकता है। इसके नीचे मैंने ये कुछ लिप लाइनर्स रखे हुए हैं, तो इन्हें भी मैं यूज़ में नहीं लेती हूँ, लेकिन शौक शौक में ले आते हैं ना हम, तो इस तरह से मैंने रखे हुए हैं ताकि अगर मेरे को कभी यूज़ में भी लेना हो तो मैं ले सकूं। ये एक हर्षित का मिल्क शेक का डब्बा है जो कि ख़राब हो गया था, तो मैंने इसके अंदर अपने रबड़ बैंड्स और थ्रेडिंग का धागा वगैरह और वो चिमटे आती है ना जिससे कि थ्रेडिंग के छोटे छोटे बालों को तोड़ लेते हैं, वो सब चीज़ें मैंने रखी हुई हैं। तो सारी चीज़ें मैंने ऐसे सेपरेटली रखी हुई है ताकि मुझे इजीली सारी चीज़ मिल जाए, ऐसे नहीं कि घुड़मुड़ घुड़मुड़ किसी एक डब्बे के अंदर सारी चीज़ें पटक दी, इस तरह से सारी चीज़ें रखी हुई है। और साफ़ करने में भी सही रहता है, अगर ज़्यादा नहीं तो कम से कम एक ड्रॉअर, कभी ये वाला ड्रॉअर साफ़ कर दो, कभी वो वाला ड्रॉअर साफ़ कर दो, कभी वो वाला, तो इस तरह से साफ़ कर लो तो सफाई भी बनी रहती है और सामान जो होता है वो जगह पर रखा हुआ रहे तो अच्छा भी लगता है। तो अब मैं नीचे की साइड आती हूँ, तो नीचे की साइड जो है मेरे 3 ड्रॉअर हैं और ये अच्छे खास से चौड़े हैं, तो इन इसके अंदर नीचे ये मेरा शादी का मेकअप का डब्बा है जो मेरी शादी में चढ़ाया था, तो इसके अंदर मैंने वो सामान रखा है जो जैसे भाभी वगैरह मुझे कोरा दे देती है, तो मैंने इसमें रख रखा है कि बिंदी के पत्ते हैं, काजल, सिंदूर वगैरह, तो जैसे कभी मंदिर वगैरह में चढ़ाना है तो मैं आराम से यहाँ से ले जा सकूँ इसलिए। और इसके अंदर ये छोटे छोटे से मैंने दो दो तीन बॉक्स बना रखे हैं क्लचेज़ के, तो ये क्लचेज़ न्यू क्लचेज़ हैं जो पार्टीज़ वगैरह में यूज़ में आते हैं, तो अगर इन्हें मैं सारे क्लचेज़ के साथ में मिक्स कर देती हूँ तो क्या होता है कि एक दूसरे से स्क्रैच हो के ही पुराने हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने सेपरेटली रखा है जिससे कि मैं ये जो है उनकी जो शाइन है वो बनी रहे, इनके ऊपर कोई स्क्रैच नहीं आए। इसी तरह से मैंने एक डब्बा और बनाया है जिसके अंदर मैंने वो क्लचेज़ हैं, ये बक्कल है इस तरीके के, अगर आपने देखे हो, अगर आपने कभी यूज़ भी किया हो तो इन्हें भी मैंने सेपरेटली रखा है कि अगर मुझे इस तरह के यूज़ करने का मन है तो मैं इस यही वाला डब्बा उठाऊं, और अगर मुझे वैसे क्लचेज़ यूज़ करने हैं तो मैं उस तरह के का ही डब्बा, उस वो वाला ही डब्बा उठाऊं, तो इस तरह से मैंने सेपरेटली रखे हैं। और ये मेरा मेकअप का डब्बा है जिसके अंदर मैंने अपने आई शेडो पैलेट और कॉम्पैक्ट्स, फाउंडेशन, ब्रशेस, तो फाउंडेशन मैं यूज़ नहीं करती, मैं बीबी क्रीम यूज़ करती हूँ, तो मैंने जो है इस तरह से रखे हुए हैं। ये ब्रशेज़ हैं जिन्हें मैंने रबड़ बैंड से बांध दिया ताकि ये इधर उधर नहीं खोएं, क्योंकि इसके अंदर छोटी बड़ी सब तरीके की है। और सेफ्टी पिन मैंने अलग से भी रखी हुई है, अपनी एक अलग डब्बी बना रखी है, लेकिन इस मेकअप बॉक्स में भी मैंने रख रखी है। और ये चिमटी है जो मैंने आपको बोला था जिससे कि थ्रेडिंग के अगर एक दो बाल आ जाते हैं उन्हें हटा दिया जाता है, और तो इस तरह से मेरा ये सारा सामान है। और इधर की साइड मैंने बैंगल्स रखे हुए हैं, तो जो शादी ब्याह है या पार्टी वगैरह में जाते हैं उस टाइम पे जो बैंगल्स पहनते हैं उन्हें मैंने अलमारी में रखा हुआ है, और ये वो बैंगल्स हैं जो एक एक कड़ा टाइप होते हैं, उनको मैंने इधर रखा हुआ है ताकि जैसे मैं सडनली कहीं जाऊँ या मुझे चेंज करना होता है तो मैं कभी कई बार क्या होता है मन भर जाता है तो वो चेंज कर लो फिर दूसरे पहन लो, तो इस तरह से मैंने यहाँ रखे हुए हैं। तो इस तरह से मेरा ये वाला ड्रॉर, तो और इसके बाद मैं इस वाले ड्रॉर में आऊँ तो यहाँ पर मेरा कुछ ज़्यादा सामान नहीं है यहाँ पर भी, तो यहाँ पर मैंने ये वो वाला क्लच जो मैंने बोला था न्यू है, ये ओल्ड है, इसके अंदर क्या होता है सब घुड़मुड़ घुड़मुड़ है, एक को ढूंढो तो दूसरे के ऊपर स्क्रैच लग ही जाते हैं, तो इस तरह से मैंने इनको इधर रख रखा है सेपरेटली कि डेली का मुझे यूज़ में लेना है तो मैं यहाँ से ले सकूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है कि नाइट टाइम में अगर मुझे जैसे क्लच लगाना है और मेरा उठने का मन नहीं है तो मैं हर्षित से भी मांगती हूँ तो वो कैसे भी उठाए, डब्बा गिर जाए तो मेरा कई बार गिरा भी देता है वो, तो नए होंगे ना तो मेरा दिल ही डब्बे के साथ मेरा दिल भी गिर जाएगा तो इसलिए मैंने अलग से ऐसे रखा हुआ है। और ये एक डब्बा है जिसके अंदर 3 खाने हैं, तो इसके अंदर मैंने थोड़ा
न्यू सामान नहीं होता है, जो न्यू न्यू होता है उन्हें मैंने रखा हुआ है, जैसे बिंदी के पत्ते हैं और साड़ी की पिन है जो शादी पार्टी में ही यूज़ में आती है वो वाली, और इस तरह से मंगलसूत्र वगैरह ये बिंदियां हैं जो सिर्फ शादी पार्टी में मैं काम में लेती हूँ, ऐसी चीज़ें रखी हुई है। तो एक्चुअली ये वाला डब्बा मुझे मेरी भाभी ने दिया था, तो मैंने उस डब्बे को इस तरह से यूज़ में ले रखा है, सारे छोटे छोटे सामान इस तरह से रखे हुए हैं। और नीचे वाले ड्रॉर में भी मैंने साड़ी की पिन है जो थोड़ी फैंसी टाइप होती है, जिसके अंदर नग होते हैं, सेपरेटली रखा हुआ है ताकि ये ख़राब नहीं हो। ये मेरे बिच्छिए हैं। तो इस तरह से मैंने पूरा सारा सामान रखा हुआ है। और तीसरी ड्रॉर में आऊँ तो यहाँ पर मैंने वही न्यू क्लेचेज, न्यू बक्कल रखे हुए हैं, तो ये खाली है क्योंकि ये इसका है, तो इसमें से मैंने निकाल के इधर साइड में रख दिया है, क्योंकि अभी मैं कहीं गई थी तब मैंने यूज़ में लिया था, तो तब से ऐसे ही रखा है। इसके अंदर न्यू वाली बॉबी पिंस हैं और ये वो बक्कल हैं जो मैंने इस तरह से रखे हुए हैं, इनके अंदर नग है तो इन्हें सेपरेटली इस तरह से जमाया हुआ है, तो इस तरह से रखा हुआ है सारा सामान। तो ये तो खुल जाता है सरक करके, और इसके ऊपर मैंने ये क्लचेज वाला डब्बा रखा हुआ है। अगर मैं साइड में आऊँ तो यहाँ पर मेरी बालों को स्ट्रेनर है रखा हुआ है, और ये इनका कहीं ट्रेवलिंग का बैग रखा हुआ है जिसके अंदर ये तेल वगैरह है या कंघा वगैरह है, जो भी इनका यूज़ का सामान है वो ले जाते हैं। यहाँ पे इन्होंने अपने मोबाइल का सारा सामान रखा हुआ है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज है नेक्स्ट डे, और कल मैं ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई थी, और आज है नेक्स्ट डे और हर्षित का पिकनिक पे जाना है जैसा कि मैंने आपको बताया था, तो उसका लंच बॉक्स वगैरह मैंने रेडी कर दिया है। लंच बॉक्स में मैंने उसको पोहे रखे हैं, पूड़ी रखी है और आलू की सब्ज़ी रखी है और थोड़ा सा अचार रखा है, और अभी फ़िलहाल मैं उसके लिए बना रही हूँ दूध, और सब जल्दी जल्दी कर रही हूँ क्योंकि उसे पिकनिक पे जाने की बहुत ज़्यादा जल्दी हो रही है और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। वैसे मैं उसे 10 बार जगाती हूँ लेकिन आज वो इतनी जल्दी तैयार हो गया है ना कि मैं कुछ बता नहीं सकती हूँ। तो दूध में मैंने उसको बादाम जो होते हैं उन्हें पीस के रख रखा है, उन्हें डाला है और बॉर्नविटा डाला है, और इसे अच्छे से फैट करके और मैं उसे दे दूँगी। तो हर्षित को स्कूल वगैरह भेज देने के बाद में हम लोग आए मंदिर, मैं और मेरे हस्बैंड आए, क्योंकि हर्षित तो स्कूल जा चुका है, तो बस मैं शिवलिंग को और सारे जो भगवान बैठे हैं उन सबको जल चढ़ाऊंगी और उनकी पूजा कर लूँगी, चंदन वगैरह चढ़ा दूँगी और बेलपत्र वगैरह सब दिया वगैरह लगा के और पूजा कर लूँगी। तो बस मैं इस व्लॉग का यहीं पर एंड करना चाहूँगी। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। कोई भी सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं, और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी। You take it in.